जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट अड्डा। दोस्तों बात करते हैं ICICI बैंक की तरफ से वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी निकली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है फोन बैंकिंग ऑफिसर PO की और ई रिलेशनशिप मैनेजर की। अगर आप लोग फ्रेशर हो, ग्रेजुएट, आप लोगों ने MBA कर रखा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल ही फ्री है, बिल्कुल आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला अप्लाई करने के लिए। आप लोग को इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना है अप्लाई, वो चीज़ आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। पैन इंडिया हायरिंग है, बताऊंगा कौन कौन सी लोकेशन से यहाँ पर आप लोग जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग को इसी तरह अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ICICI बैंक के करियर पोर्टल पर। इसका लिंक जो है दोस्तों आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस पेज पर रीडायरेक्ट हो सकते हो। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज आपको दिखाई देगी। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, लेकिन हम लोग को बात करनी है यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। तो हम लोग केवल फ्रेशर वाली वैकेंसीज को ही यहाँ पर देखेंगे। तो पहली वैकेंसी हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो निकली है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की। तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर वाली पर आप लोग पहले क्लिक करते हैं, जो कि फ्रेशर्स के लिए है। एक्सपीरियंस दोनों ही इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रोल बिजनेस ग्रुप देख सकते हो कि फ़ोन बैंकिंग ऑपरेशन ग्रुप का यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेड आपका रहने वाला है ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर का। और यहाँ पे बैकग्राउंड जो रहने वाला है, यहाँ पे आप लोग इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सभी आप लोग ग्रेजुएट हो, आप लोग ग्रेजुएट फ्रेशर्स हो, 0 to 4 year एक्सपीरियंस आप लोग जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका क्या रहने वाला है। देखो एज इस नेम, पोस्ट का नेम ही यहाँ पर क्या है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर। तो आप लोग को जो है कस्टमर की जो भी क्वारीज होती है बैंक से रिलेटेड, आप लोग को उनको सॉल्व करना पड़ता है। साथ ही अपने आप लोग को उन्हें अपनी कस्टमर सर्विस के बारे में जो है बताना पड़ेगा। उनकी जो भी कंप्लेन होती है उन लोग को आप लोग को फ़ोन पर रिजॉल्व करना होगा। साथ ही आप लोग क्या आप लोग के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स यहाँ पे जो मैटर करती है, आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। आप लोग की यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट भी लग सकती है, तो आप लोग को भी उसमें काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन से आप लोग इंडिया की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, हैदराबाद, थाने से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपके लिए फ्रेशर है, तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई हेयर का बटन आप लोग को मिल जाता है, अप्लाई हेयर वाले बटन पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे न्यू यूज़र्स हो तो न्यू यूज़र का यहाँ पे आप लोग को पहले आप लोग करना पड़ेगा साइनअप। तो साइनअप करने के लिए आप लोग साइनअप वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग के सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, देन आप लोग पूरे फॉर्म को फिलअप करके इसकी तरह यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी पोस्ट के बारे में जो निकली है, जो है ई रिलेशनशिप मैनेजर की। इसके लिए भी अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आपको ई रिलेशनशिप मैनेजर पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, एंड आपके सामने पूरा जो प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगा। ग्रेड यहाँ पर जो ग्रेड है वो असिस्टेंट मैनेजर की और डिप्टी मैनेजर की यहाँ पोस्ट है। लोकेशन आप लोग देख सकते हो कौन कौन से लोकेशन से आप लोग जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारी थाने, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, दिल्ली एंड गुवाहाटी से आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब का डिस्क्रिप्शन आप लोग के थोड़ा सा पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि रिलेशनशिप मैनेजर में करना क्या। आप लोग को जो भी कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर से ये जो अपना रिलेशनशिप है उसको जो है स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना है। उनको कॉल करके जो भी उनका ऐसे वर्क रहता है उनको अप्रूव करना पड़ेगा। कुछ की स्किल्स हम लोग देख लेते हैं, आपकी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स आप अच्छी होनी चाहिए। आप लोग को जो सेल्स वाली स्किल्स है वो भी आप लोग के अंदर एक अच्छी स्किल्स आप लोग के होनी चाहिए। आप भी साथ है आप लोग को कुछ इंप्रूवमेंट, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा इंप्रूव करना है, उसे कैसे बिल्ड करना है, इन चीज़ों पर आप लोग को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसके लिए ग्रेजुएशन नहीं है, इसके लिए आप लोगों ने MBA कर रखा है, MBA में आप लोग फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, दोनों ही आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप लोग फ्रेशर और कौन कौन सी लोकेशन है, लोकेशन हमने दोस्तों मेंशन देख ही ली थी कि गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, दिल्ली और मुंबई, थाने से अगर आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप लोग उसी की तरह इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई हेयर का बटन आप लोग मिल जाएगा। अप्लाई हेयर पर आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने अगर आप लोग की पहले ID यहाँ बनी हुई है तो लॉगिन ID पासवर्ड डाल के आप लोग सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप लोग को सिंपली न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप लोग को साइनअप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइनअप पे क्लिक करके आप लोग को प्रॉपरली अच्छे तरह से पूरा प्रॉपरली यहाँ पे जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तीसरी पोस्ट के बारे में जो है हमारी PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो यहाँ पे अक्रॉस इंडिया आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेल्स और रिलेशनशिप का यहाँ पे जो आपका एज ए फंक्शन रहने वाला है, एज ए रोल रहने वाला है, आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हम अभी देखते हैं पूरी प्रोफाइल डिटेल्स इसके बारे में। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी जो है प्रोफाइल डिटेल ओपन हो जाएगी। तो एज ए जॉब नहीं है, एक साल का एज ए इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग का 4 month में क्या क्या मतलब जो है एज ए 4 term में आप लोग को डिवाइड करा गया इंटर्नशिप एक साल के अंदर।
पहला जो है 4 मंथ का, 4 मंथ में आप लोग को जो है क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी आई में बेंगलुरु के अंदर। टर्म 2 के अंदर 2 मंथ का ही यहाँ आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी ICICI बैंक के अंदर। टर्म 3 के अंदर 2 मंथ का प्रोग्राम है जो आप लोग को क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी दोबारा आई में बेंगलुरु के अंदर। और टर्म 4 जो कि 4 मंथ का एज ए पार्ट है वो उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी ICICI बैंक के अंदर। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, 55% आप लोग के मार्क्स हैं किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने कर रखी है, तो आप लोग जो इसके लिए बिलोंग कर सकते हो। अप टू 27 ईयर एज आप लोग की है एज ए 1st November 2021, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग इसके लिए अप्लाई करना, जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको रिवर्ट बैक आ जाएगा, उनको इन्वाइट किया जाएगा सलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। देन फर्दर उनकी जो है ट्रेनिंग जो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे अक्रॉस इंडिया। आप जो इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हो आप लोग जिस इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली प्रोसीजर आपका सेम रहने वाला, अप्लाई करने वाला अप्लाई हेयर का बटन आप लोग को मिल ही जाएगा। आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एंड एज यूजुअल साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू यूज़र हो तो न्यू यूज़र आप लोग को साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड फर्दर पूरी प्रोफाइल आपको अच्छे से कंप्लीट, ऐसे और सारे फॉर्म भरते हो इस वाले फॉर्म को भी उसी तरह आप लोग को अच्छे से फिल करके आप लोग को यहाँ पर सबमिट कर देना। इस तरह से आप लोग जो है इन सारी प्रोफाइल के लिए आप लोग दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। आप लोग को ऑलमोस्ट मैंने सारी डिटेल्स जो है दे दी है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस पेज पर आ ही जाओगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है कंप्लीट डिटेल्स दोबारा से अच्छे से रीड करना, उसके बाद आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग को इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर द फ्यूचर जॉब्स अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।